हेलो दोस्तों, आप लोग कैसा है? मुझे उम्मीद है कि यार आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाला है कि YouTube से पहला पेमेंट कब मिलता है और इसके लिए आपको क्या सा प्रोसेस करना पड़ता है जिससे कि आपको भी YouTube का पहला पेमेंट मिले, और इसके लिए कितने दिन लग सकता है, क्या सब करना पड़ता है जिससे कि आपका YouTube से पहला पेमेंट मिले पैसा होगा। और इसके लिए पूरी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और खास करके इसलिए क्योंकि जब आप एक चैनल को क्रिएट करते हैं, जब आप YouTube पे काम करते हैं यानी YouTube पे वीडियो को अपलोड करते हैं, तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि आखिर YouTube का पहला पेमेंट कितने दिन में मिलते हैं। और मैं भी YouTube पे तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे क्या YouTube से पहला पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो चलिए आज इसी बात को सारा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको अपना जानकारी बता देता हूँ कि मेरा भी अभी YouTube से 3 पेमेंट मिल चुका है, और आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो। मेरा YTS स्टूडियो में आप डॉलर भी देख सकते हो, और जी हाँ मेरा चैनल मोनीटाइज भी है। मोनीटाइज है तभी तो YouTube से पैसा मिलता है। तो फाइनली इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खास करके इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि काफ़ी लोगों का कमेंट ये रहता है कि यार YouTube से पहला पेमेंट कब मिलता है और इसके लिए हमें क्या सब करना पड़ता है, क्या YouTube पर तो मैं भी काम कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में पूरी हम डिटेल बताएंगे और जो भी आपका समस्या है सारा सॉल्व हो जाए। YouTube का एक क्रेडिट एरिया रहता है, अगर उसे आप कंप्लीट कर देते हो तभी आपको YouTube पेमेंट देता है। वो क्रेडिट एरिया ये रहता है कि स्टार्टिंग में ही आपको एक सबसे पहले क्रेडिट एरिया दे देता है कि 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा। और ये 4000 घंटा एंड 1K सब्सक्राइबर अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे आपको एक गूगल एडसेंस बनाना पड़ता है। और गूगल एडसेंस का मतलब ये होता है कि आपका YTS स्टूडियो में जो भी आपका चैनल का पेमेंट रहेगा सारा YTS स्टूडियो में शो होता है, और महीने के 11 तारीख को आपको गूगल के एडसेंस अकाउंट में शो होगा, जो कि आप मोनिटाइजेशन के लिए जो भी अकाउंट बनाते हो वहाँ पे वो शो होगा। तो जब दोस्तों आप अपने चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्रेडिट एरिया रहता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से चैनल को मोनिटाइज कर सकते हैं। और ये सब सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके वीडियो पे ऐड आना शुरू हो जाता है, और उसी ऐड का YouTube आपको पेमेंट देता है। अब पेमेंट आपको सारा दोस्तों YTS स्टूडियो में शो होता है, ठीक है? जितना भी आपका पेमेंट रहता है हर मंथ का, वो YTS स्टूडियो में शो होता है। और महीने के नेक्स्ट, जैसे कि रिसेंटली में अभी चल रहा है मार्च, तो 1 से लेकर 31 मार्च का जो भी अमाउंट रहेगा सारा YTS स्टूडियो में शो होगा, ठीक है? और इस मार्च का जो पैसा है YTS स्टूडियो से रिलीज हो जाता है हर महीने का, यानी इससे मार्च के बाद जो अप्रैल आएगा, अप्रैल के 11 तारीख को ये मार्च वाला पेमेंट हो जाएगा ट्रांसफ़र, यानी रिलीज हो जाएगा YTS स्टूडियो से गूगल एडसेंस में, ठीक है? गूगल एडसेंस वही एडसेंस जो कि आप मतलब मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई किए थे, वही एडसेंस में पेमेंट रिलीज हो जाएगा हर महीने के 11 तारीख का, ठीक है? अब 11 तारीख के बाद दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि आपका पेमेंट तो रिलीज हो जाता है। अब रिलीज होने के बाद शुरुआत में क्या होता है, YouTube का एक क्रेडिट एरिया रहता है, तभी आपको पैसा मिलेगा। वो कि आपके यहाँ पे $10 आपके गूगल एडसेंस में जमा हो जाता है, तो आपको क्या होता है वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है? आपका जो लोकेशन है, आप जो आप नाम दिए हो, वो सारा फाइल आपको वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ पे आपके पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको 6 डिजिट का पिन आएगा, गूगल एडसेंस पिन, ठीक है? और वहाँ पे आपको डालने के बाद सबमिट करना पड़ता है, ठीक है? सबमिट करने के बाद वहीं पे आपको एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन रहता है, और बैंक अकाउंट वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये तो दोस्तों आप सोच ले कि यार मैंने तो बैंक अकाउंट को ऐड कर दिया है, अब मुझे YouTube का पेमेंट हर महीने पेमेंट आएगा क्योंकि मैंने YouTube में अपना अकाउंट को लिंक कर दिए। दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो Google AdSense में आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दिए, तो आप लिंक कर दिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो डॉलर है वो शो होना चाहिए। जो एक नियम आता है YouTube का, तभी आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा, वो नियम को आप जान लीजिए तभी आपको मिलेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि मैं तो मेरे एक वीडियो का तो डॉलर भी शो हो रहा है, मेरा गूगल एडसेंस में यहाँ 11 तारीख को हर महीने 11 तारीख को रिलीज भी हो जाता है, गूगल एडसेंस में मेरा डॉलर यहाँ पे ऐड हो चुका है, और उसके बाद मेरा पेमेंट आ जाएगा। कब आएगा नहीं आएगा ये आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता देखिए एक्चुअली होता क्या है कि YouTube का एक नियम है, और YouTube का नियम होने के बाद गूगल एडसेंस का एक नियम है कि गूगल एडसेंस में $100 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हर महीने के 21 तारीख को, जैसे कि मान लीजिए 11 तारीख को गूगल एडसेंस में जमा होता है, ठीक है? आपका पेमेंट YTS स्टूडियो का सारा मंथ, एक मंथ का पेमेंट YTS स्टूडियो का सारा गूगल एडसेंस में जमा होता है,
और वही 11 के बाद 21 से लेकर 27 के अंदर में आपका गूगल एडसेंस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिलीज कर दे देती है, ठीक है। और रिलीज करने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है, आपको मैसेज जरिया कह देता है गूगल एडसेंस की आपकी पेमेंट को मैंने रिलीज कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हो अपने बैंक में, ठीक है। और ये आपका पेमेंट एक्चुअली होता क्या, 21 से लेकर 27 के अंदर में आपको रिलीज कर दिया जाता है पेमेंट, ठीक है। और यही 5 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। मेरा भी दोस्तों यानी 21 तारीख को मैसेज आया था और 22 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में सीधे एक ही दिन के अंदर में मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको हर महीने आपके गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ पे एक और बात आता है कि हर महीने मान लीजिए मेरे गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा? तो एक्चुअली होता क्या है कि गूगल एडसेंस का एक नियम है कि वहाँ पे आपको हर महीने या दो महीने या तीन महीने में वहाँ पे $100 जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको वहाँ से पैसा मिल सकता है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। जब आपके हर महीना चाहे एक ही महीना में $100 मिल कंप्लीट हो जाए, चाहे दो महीने में चाहे तीन महीना में, वहाँ पे $100 कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको वो पेमेंट आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अन्यथा अगर आपका वहाँ पे मान लीजिए $75 है या $99 भी है तो आपको इस महीने नहीं बल्कि अगले महीना आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको फाइनली पूरी जानकारी बता दिया हूँ कि YouTube से पहला पेमेंट कब मिलता है और इसके लिए क्या सब प्रोसेसिंग करना पड़ता है। अगर आप एक यूट्यूबर है या YouTube पे चैनल खोल के वीडियो बना रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता होगा, खास करके इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिले है एंड चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो यार कर लो, देख क्या रहे हो, अब कितने देखोगे, बस बहुत हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और वीडियो आपको मजा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अजीत प्रणा 906 जाके आप फॉलो कर सकते हो।